दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त बनवाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं सी टीवी। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान, शुरू से ही गलत था जीएसटी का प्रारूप, सरकार ने बिना सोचे समझे लागू की जीएसटी, इसलिए सरकार कर रही है बार बार बदलाव। पद्मावती फिल्म के विवाद पर बोले, पद्मावती में कुछ भी गलत नहीं, बीजेपी सांप्रदायिकता को देती है बढ़ावा, जब तक फिल्म देखी नहीं तब विरोध क्यों, देश में विकास ठप, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। देखते हैं खास रिपोर्ट रविंद्र गौतम के साथ। क्या है पूरी पार्टी की रणनीति? सारे किसान परेशान, सारा गरीब परेशान, झूठे मुकदमों में लोग फंसाए जा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं हैं, राज्य स्तर की समस्याएं हैं, सबका विरोध प्रकट करेगी। विरोध में रहने के वजह से हमारा फर्ज है ये कि हम जनता की समस्याओं को, सरकार जो बहरी हो गई है, तो ढोल बजा के उनके कानों तक पहुँचाएँ। किस स्तर से चालू होगा क्या आंदोलन जो होगा? वो तहसील आंदोलन नहीं है, तहसील तहसील करना है शांतिमय तरीके से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था, यही उद्देश्य। दूसरा सवाल, जिस तरह से केंद्र सरकार जीएसटी के निर्णय को बार बार बदल रही है, उसके पीछे क्या आप इसलिए जीएसटी का लगना ही गलत था, और पहले ये कहा गया था कि सारे देश में एक जैसे टैक्स, लेकिन एक ही चीज में तीन तरह के टैक्स, जैसे कपड़ा है रेडीमेड गारमेंट्स है, तो अगर मोटा कपड़ा है तो 5%, उससे थोड़ा ठीक है तो 12%, और थोड़ा बेहतर है तो 18%, जब बाहर से आ रहा है 5%, और जो जिप है उसमें लगती है चेन जो आप पेंट में लगाते हैं इस पर 18%, वो अमेरिका से चीन से कहीं से कपड़ा आ रहा है तो 5% कपड़े पे 5% जिप पे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज पे ही चार चार तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, व्यापारी परेशान, तो जब ये परेशानी सीमा से ऊपर बढ़ जाती तभी तो उन्होंने चेंज इसलिए किया था क्योंकि सूरत और अहमदाबाद ही हरा देती चुनाव बीजेपी, वो तो केवल गुजरात चुनाव जीतने के लिए चेंज कर दिया था, केवल वहाँ के व्यापारियों की तरफ से उनके जो जो बिजनेस थी उस हिसाब से उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन कुल मिला के वो सिस्टम सही नहीं है, एक टैक्स पूरे देश में होना चाहिए, वो इन्होंने किया नहीं। सर, दूसरा सपोर्ट का निर्णय आया उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकारें उसको रोक के लिए अड़ी हुई है, उसमें आप देखिए ऐसा है, ये लोग हर मुद्दे को सांप्रदायिक आधार पर देश में प्रचारित करना चाहते हैं। आप तो नहीं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तब बीए में मलिक मोहम्मद जायसी, एक जायस जगह है रायबरेली, वहाँ के बहुत बड़े पोइट कवि, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था पद्मावत, उसी पद्मावत के आधार पर वो फिल्म बनानी हुई, और बिना देखे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने देखा वो कहते हैं कि साहब राजपूतों की शुरू से लेके आखिर तक गुणगान के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं, वो विरोध कर रहे हैं कि साहब अरे वो सब ये है, तो बिना देखे विरोध करना ठीक नहीं है। अब इनका तो एजेंडा ही एक है, कोई आपको लग रहा है कोई विकास का काम हो रहा है पूरे देश में? उत्तर प्रदेश में 1% भी एक साल में कोई काम इन्होंने किया है कहीं? हमारी गवर्नमेंट जब गई तब बजट उत्तर प्रदेश की पीडब्ल्यूडी का था 80,000, और ये गवर्नमेंट आई तो बजट है 16,000 एक वर्ष, बताइए कैसे गड्ढा भर लेगा? गड्ढा नहीं भर पाएगा, वो अपना पेट भर रहा है। सर, दूसरा सवाल, 27 तारीख विधायक जी पर एक ने आरोप लगाया है कि किसी नेता ने उनको मरवाने की साजिश की थी, शार्प शूटर यहाँ शुकाबाद में पकड़ा गया था, तो इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? 1.5 लाख का इनामी था मोहाली का, बच गए हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर का जब अपराधी मंत्रियों के घर पे रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से अच्छा होता है? उसी का परिणाम है कि लोग कौन मारा दिया जाए, कौन किसे मरवा दे लोग।